सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, मैं हूँ आपके साथ मामून एंड आप देख रहे हैं क्रोमोटेक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर लोग ज़्यादातर स्कैम होता है। तो गाइज, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी स्कैमिंग का डर है ना, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको भी पता चले स्कैमिंग क्या है, स्कैम कैसा होता है, एंड गाइज आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो गाइज, आज के इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, स्कैम क्या है एंड गाइज स्कैमिंग कैसा होता है, अगर आपको जानना है फुल डिटेल्स, तो आप ए वाला वीडियो में क्लिक करो, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स आपको शेयर किया हूँ। मैं इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइज, फिफ्थ प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं। सो गाइज, फिफ्थ पोजिशन में जो प्लेटफॉर्म आता है उसका, अरे यार अभी बिजली जाना था, खत्म। सो गाइस, फिफ्थ नंबर प्लेटफॉर्म पे जो आता है वो हमारा सबसे पहचान प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम इंस्टाग्राम। गाइस, इस प्लेटफॉर्म में लोग ज़्यादातर टाइम को स्पेंड करता है, एंड गाइस इस प्लेटफॉर्म में कैसे स्कैम होता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली भाषाओं में। तो गाइस, क्या होता है, जो लोग स्कैम करना होता है ना, तो वो लोग सिंपली एक अकाउंट खोलता है जो फेक अकाउंट नाम पे है, ठीक है। एंड गाइस, अकाउंट खोलने के बाद एक वीडियो बनाता है, ठीक है, वीडियो को वो इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करता है। एंड गाइस, प्रमोट करने के बाद आप उस प्रमोटिंग वीडियो में फंस जाते हो, एंड गाइस उसको डीएम करते हो, उसको मैसेज करते हो, तब जाके आप फंस जाते हो। एंड गाइस, बहुत सारे रील्स आप दिखा होगा कि कैप्शन की जगहों में लिखा होता है डीएम फॉर पेड प्रमोशन। इन सारा जो वीडियो होता है ना, वो सब फेक, मतलब फेक प्रोफाइल से आता है लगभग 90%। तो गाइस, कुछ ऐसे टाइप से इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप सभी को स्कैम कर रहा होता है। सो गाइस, फोर्थ नंबर पे जो प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम है फेसबुक। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, तभी तो चिन्ह होगा ना। अबे तू मेरी नकल करता है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं फेसबुक से आप कैसे स्कैम हो सकते हो। तो गाइस, सिंपली जैसे कि इंस्टाग्राम से रील्स के थ्रू सब लोग स्कैम होता है, सिंपली ऐसे भी फेसबुक में भी ऐसे ही तरीके से वो है, आप स्कैम हो सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, इंस्टाग्राम में रील्स एंड फेसबुक में फेसबुक पेज के थ्रू आप स्कैम हो सकते हो। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जो फेकर लोग होता है, मतलब जो स्कैमर लोग होता है, वो एक पेज क्रिएट कर लेता है, एंड गाइस उसी पेज को इंस्टाग्राम रील्स में प्रमोट कर लेता है या फिर फेसबुक पेज से प्रमोट करवा लेता है। एंड गाइस, उस फेसबुक पेज में बहुत सारा एड्स वो लोग चलाते हैं ताकि आप लोगों का मन जो है बहला जाए। तो गाइस, आप लोगों का मन बस जाता है उस सारे एड्स को देख के, एंड गाइस उस एड्स को देखने के बाद आप उससे मैसेज करते हो, बात करते हो, एंड गाइस आप जिस प्रोडक्ट या फिर जिसके लिए मैसेज करते हो, वो प्रोडक्ट के लिए आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट या फिर आपका जो नीड है वो आप पूरा कर सको। लेकिन गाइस, जब बात पूरा हो जाता है तब आपको वो कुछ पैसा मांगता है, एंड गाइस काफ़ी सारा यहाँ पर जो है लफड़ा हो जाता है। तो गाइस, जब पेमेंट हो जाता है तब आपको ब्लॉक कर देता है, एंड गाइस कुछ ऐसी टाइप से जो है फेसबुक से आप स्कैम हो सकते हो। सो गाइस, थर्ड नंबर पे जो प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम है व्हाट्सएप। तो गाइस, आप यहाँ पर सवाल कर सकते हो कि व्हाट्सएप तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो एक ऐसे स्कैमर प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है। समझ लो कि आपके साथ मेरा बात हो रहा है, जो चैट हो या फिर वीडियोस कॉल हो या फिर नॉर्मल कॉल हो, व्हाट्सएप पे जो डेटा आपके साथ मैं शेयर किया हूँ, वो डेटा ताकि थर्ड पर्सन देख ना सके या फिर थर्ड पर्सन हैक ना कर सके, इसीलिए एंड टू एंड इनक्रिप्टेड किया जाता है व्हाट्सएप पे। मतलब इसी का मतलब है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो गाइज, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तो ये पकड़ नहीं सकता कि वो जो सामने वाला बंदा है, मतलब आप हो या फिर मैं हूँ या फिर थर्ड पर्सन जो भी हो, वो ये नहीं पकड़ सकता है कि वो स्कैमर है, आपके साथ वो स्कैम कर रहा है। जस्ट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड यही काम करता है कि आपके साथ मेरा जितना भी बात हुआ है, वो बात ताकि थर्ड पर्सन की तक ना पहुँच पाए, मतलब थर्ड पर्सन ना हैक कर सके, यही काम होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का। तो गाइज, अभी तक मैं जितने भी एप्लीकेशंस, आई मीन जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, वो सभी प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आप जिसका स्टोरी फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हो, जब आप उसको डीएम करते हो, डीएम करने के बाद वो बोलता है कि मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ,
एंड गाइस वो आप जब व्हाट्सएप पे चले जाते हो तब आपको मतलब इतना माइंड आपका जो माइंड होता है आपका माइंड जो इतना डाइवर्ट करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बोल दूं कि इतना माइंड डाइवर्ट करता है कि आप समझ मतलब उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझने लगोगे कि उसका नंबर तो मेरे पास है, वो कैसे भाग कर चले जाएगा, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं उसको फ़ोन करूंगा। गाइज कितने नंबर से फ़ोन करोगे? एंड गाइज जो पुलिस में आप जाओगे जितने खर्चा आप उससे मतलब जितना आपके पैसा वो स्कैम किया है उतने पैसा पुलिस को देगा? ये नहीं हो सकता, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो गाइज कुछ इस टाइप से आप इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ जाते हो। एंड गाइज कुछ इस टाइप से आपको व्हाट्सएप पे बोलता है कि इतना पैसा लगेगा पहले, उसके बाद इतना भरना पड़ेगा एक्सेट्रा। कुछ इस टाइप से आप जो है स्कैम हो सकते हो व्हाट्सएप पर भी। हमको एक ग्रीन लाइट की ज़रूरत है, ऑफलाइन में बहुत महंगा पड़ रहा है, तो चलिए ऑनलाइन में देख लेते हैं। ऑनलाइन में कहाँ पर सेकेंड हैंड देखूँ? एक सेकेंड, वेलेक्स, चलिए वेलेक्स पर देख लेते हैं। एक मिनट, वेलेक्स। हाँ वेलेक्स, अभी मुझे समझ में आया कि वेलेक्स भी तो एक फ्रॉड प्लेटफॉर्म है। राइट, पूरे प्लेटफॉर्म फ्रॉड नहीं है लेकिन कुछ स्कैमर इस वेलेक्स में रहते हैं। कैसे स्कैम करते हैं मैं बता देता हूँ। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि वेलेक्स एक फ्रॉड प्लेटफॉर्म है, पूरा प्लेटफॉर्म फ्रॉड नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्कैमर इस वेलेक्स में रह जाता है। तो वेलेक्स में क्या होता है, बहुत सारे स्कैम रहता है, एक प्रोफाइल क्रिएट करता है। ओएलएक्स में जो है प्रमोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक आप डिवाइस या फिर कोई गैजेट्स आप अपलोड करके देखो आपको तुरंत मैसेज आएगा। तो गाइस वो एक डिवाइस या फिर गैजेट जो भी उसको मतलब स्कैम करना है, जिसको भी स्कैम करना है, वो एक डिवाइस छोड़ के मतलब अपलोड कर देता है। एंड गाइस अपलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपका नीड है आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 या फिर कोई भी गैजेट्स आप समझ लो, तो आप उसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद जो मतलब स्कैम कैसा करते हैं, आपको वो मोबाइल दे देगा लेकिन हो सकता है वो क्लोन मोबाइल देगा, या फिर आपको वो कैश ऑन डिलीवरी देगा लेकिन उसके पहले वो चार्ज लेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो फुल्ली कैश ऑन डिलीवरी दे देगा लेकिन और एक ऑफर देगा, ओपन बॉक्स डिलीवरी, पहले आप ओपन करके देख लीजिए उसके बाद पेमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी ये होता है। ठीक है, तो गाइज क्या होता है कि एक डिवाइस ओरिजिनल डिवाइस का फोटो वो जो है ऑनलाइन पे दे देता है, वेलेक्स पे दे देता है। एंड गाइज उस मोबाइल को या फिर उस डिवाइस को आप देख लेते हो एंड गाइज उसको ऑर्डर करने के लिए बोल देता हो, व्हाट्सएप पे आपको बुला देता है। जैसे कि मैंने बताया सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, व्हाट्सएप या फिर वेलेक्स में चैट कर देता है। गाइज कुछ पेमेंट के लिए बोल, अगर आप उसको इग्नोर करो तो कुछ बोल देता है कि कैश ऑन डिलीवरी है, कुछ नहीं लगेगा। तो गाइज अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो बुक कर देता हो, जो आप ओरिजिनल मोबाइल या फिर ओरिजिनल गैजेट्स या फिर ओरिजिनल चीज़ के लिए आप बुक किया हो, बाद में पता चलता है कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है या फिर उसके बदले कुछ और आया है। एंड गाइस जब उसके बाद आप मतलब कांटेक्ट करते हो उसको, वो ब्लॉक कर देता है या फिर कुछ ऐसे वैसे बक कर वो रख देता है, आपका बात नहीं सुनता है। कैश ऑन डिलीवरी होता है इसका मतलब कि वो पहले आपको आपका जो कैश होता है वो लेगा, उसके बाद आपको डिलीवर कर देगा, उसके बाद वो चला जाएगा। ठीक है गाइस, कुछ ऐसे टाइप से भी वेलेक्स में जो है स्कैम हो जाता है। नंबर वन टेलीग्राम। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम, आपने सही सुना, टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। इस टेलीग्राम को आप एकदम स्कैमर की डब्बे कह सकते हो। जी हाँ, डब्बे कह सकते हो। फॉर एनी डिटेल्स एनी प्रूफ आप इस वाला वीडियो में क्लिक करो, आपको सब कुछ प्रूफ विथ सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कैसे स्कैम होता है, स्कैम क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब आपको बोल के बता नहीं सकता, सच में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा स्कैम होता है। तो गाइस यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग स्कैम होता है। एंड गाइस जिसके लिए आप सभी ने बेसब्री से इंतज़ार किया। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टेलीग्राम।
सो गाइस, इन सारे स्कैमिंग से छुटकारा पाने के लिए अभी इस टाइम ऑनलाइन साइबर क्राइम का काम जो है स्टार्ट हो गया है। अगर इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा, तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए एंड गाइस हमारे पास रहिए। अगर आपका फुल रिस्पॉन्स मिला तो मैं बहुत ही जल्दी डिटेल्स वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। तब तक के लिए सब्सक्राइब जल्दी कर दो। सो गाइस, वीडियो की लास्ट में एटलीस्ट मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताया आपको, सब प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, उसमें गलत लोग छुपी है जो आपको रिसर्च करना है अगर आप कुछ लेना चाहते हो ऑनलाइन पे। तो गाइस, इस पोजीशन में आकर अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि जिस गैजेट से या फिर जिस चीज़ को आप ऑनलाइन में देखना चाहते हो वो चीज़ एक बार ऑफलाइन में तलाशी कर दी, मतलब रिसर्च कर लीजिएगा। अगर वो चीज़ ऑफलाइन में मिल जाता है जो ऑनलाइन में आप चाहते हैं, वो अगर ऑफलाइन में मिल जाता है तो मेरा सजेशन यही है कि आप वो ऑफलाइन में ही लो, लाइव खुद देख के चेक करके लो। आप स्कैमर की मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, जब आप ऑनलाइन में लेते हो ना तो स्कैमर की ज़्यादा करीब हो जाते हो, यही बात है। तो गाइस, आजकल फ्लिपकार्ट में भी गलत यूनिट आ जाता है, ठीक है, लेकिन सभी गलत यूनिट नहीं आता है, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है या फिर फ्रॉड करता है। मुझे फ्लिपकार्ट के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन गलत आ जाता है, मैंने सुना है एंड गाइस मैंने देखा भी है। तो गाइस, अगर आपको कुछ लेना है तो आप ऑफलाइन में खोज कीजिए पहले, उसके बाद ऑनलाइन में जाइए। दोनों अगर ऑप्शन है आपके पास तो आप ऑफलाइन में भी लीजिए, ठीक है। तो गाइज, यही मेरा सजेशंस है एंड गाइज, आज के लिए यही कुछ देना था आज की इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपके पास सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए गाइज, आज के लिए इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली के और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।